तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। जैसे कि आज है 7 अगस्त और आज है हमारे करण भाई का बर्थडे। ये ब्लॉग हम की बागडोर हमको संभालनी पड़ रही है क्योंकि संदीप गया हुआ है एनसी कैंप दोराहाट में, जो कि 12 तारीख को आने वाला है। तो सबसे पहले करण को हैप्पी बर्थडे। करण, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बर्थडे में हम अब आलू के गुटके बनाना शुरू कर रखे हैं क्योंकि फास्ट फूड को हम अवॉइड कर रहे हैं। तो आइए आपको आगे मिलते हैं बर्थडे की तैयारी के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, करण के बुबू ने यहाँ पर आलू के गुटके तैयार कर दिए हैं। काफ़ी शानदार और लजीज ये दिखने में है। आप सोच सकते हैं इसका स्वाद कितना प्यारा होगा। ये देख सकते हैं करण के बुबू यहाँ पर आलू के गुटके बना रहे हैं और छुटकी यहाँ पर पत्ता लेके आई है, देख सकते हैं। तिमुल के पत्तों में ही हम खाना खाएंगे क्योंकि हम पहाड़ी सभ्यता को फॉलो करते हैं। अब इसमें नमक टेस्ट किया जाता है थोड़ा। तो नमक और मिर्च ज़रा टेस्ट किया जाए आलू के गुटके में कैसा हो रखा है। राजा यहाँ पर नमक टेस्ट करेंगे। राजा कैसा हो रहा है? बढ़िया। बर्थडे की सारी तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी है और सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। बाकी बलून्स वगैरह भी लगा दिए हैं, संगीत वगैरह लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बच्चों का उत्साह है यहाँ पर। चाय की भी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है फाइनली कंप्लीट और अब है चाय और आलू के गुटके। तो ये देख सकते हैं आलू के गुटके और ये चटनी के साथ चाय का लिया जा रहा है आज बर्थडे में। आप समझ सकते हैं कि आलू के गुटके के साथ अगर चटनी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर बच्चों को वितरण हो रहा है, वो भी तिमुल के पत्तों में। आप देख सकते हैं इसमें हम नो डिस्पोजल नो थाली का यूज़ करेंगे, सिर्फ तिमुल के पत्तों में सब खाएँगे इस बार। चाय भी यहाँ पर बैठ रही है साथ ही साथ। आप देख सकते हैं चाय का भी चस्का लीजिए। कैसा कह रहा है आलू गुडू? मज़ेदार चटनी के। तो यहाँ पर अमित मेहरा यहाँ पर को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही स्वाद लग रहा है बिल्कुल चटनी के साथ और चाय के साथ। अमित अजय कैसा हो रहा है? एकदम चटनी के साथ मज़ा आ गया। ये चाय की चुस्की, चाय की चुस्कियाँ भी ले जा रही है यहाँ पर। कुलदीप कैसा हो रहा है? चल लाल के तरह से केक लगा हुआ है यार। अरे तेरी